नमस्कार, बिजी इलाहाबादी में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आइए, आज हम खोए से रसगुल्ला, गुलाब जामुन कैसे बनता है ये मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें क्या क्या पड़ता है ये देखिए। ये मेरा 100 ग्राम ये घर का बनाया हुआ खोया है और इसमें हम डालेंगे, ये देखिए रवादार है, इसको हम आराम से इसको मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल मुलायम कर लेंगे। ये मुलायम हो गया है। अब इसमें हम एक चम्मच सूजी डालेंगे बाइंडिंग के लिए और लगभग 1.5 चम्मच हम इसे मैदा डालेंगे जिससे कि हमारी अच्छी तरीके से ये बाइंडिंग हो जाए। और इसको ये इसी तरह मैं बाइंडिंग करूँगी और थोड़ा सा बेकिंग सोडा जो है, बेकिंग सोडा नहीं सॉरी बेकिंग पाउडर ये मैं इसमें डालूँगी। सबको मिलाकर मैं अच्छी तरीके से इसको बाइंडिंग करके रख देती हूँ 10 मिनट तक, जिससे ये सेट हो जाए। फिर मैं रसगुल्ले का शेप में इसको बनाऊँगी और इसमें कुछ भी नहीं पड़ेगा। ये हमारा गुलाब जामुन का आटा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब देखिए, मैं इसको 10 मिनट के लिए रख दे रही हूँ जिससे ये बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट हो जाए। ये देखिए, अब मैं इसको ढककर रख देती हूँ। 10 मिनट बाद में मैं रसगुल्ला बनाऊँगी। अब इसमें मैं चाशनी बनाने जा रही हूँ। इसमें एक कटोरी हमारा भरकर चीनी है और लगभग एक कटोरी हमारा इसी नाप से पानी डालूँगी, ये 1/4 कटोरी, जिससे हमारी चाशनी अच्छी तरीके से तैयार हो जाए। और चाशनी को ज़्यादा हमको पकाकर तार वगैरह नहीं बनाना है। इसमें थोड़ी सी इलायची पाउडर डालना है। अब मैं चलते हैं चाशनी बनाने के लिए। गैस को ऑन करती हूँ। अब मैं गैस को ऑन कर दी। अब देखिए, मैं इसको फुल फ्लेम करके अब इसको चलाती रहूँगी जिससे कि ये चाशनी हमारा अच्छी तरह घुल जाए। देखिए, इसको चलाते हुए हमें चाशनी ये जब खोल जाएगा अपने आप में। और इसको एक तार की चाशनी बिल्कुल नहीं बनानी है, केवल मैं करके दिखाऊंगी आपको कि हल्का सा चिपचिपन आना जाए पकने से। देखिए, इलायची पाउडर डाल दीजिए थोड़ा सा, तो चाशनी बहुत ही अच्छी देखते हैं, यानी शुगर का सिरप हमारा तैयार होने जा रहा है। हम उसके से 5 मिनट लगेगा आपको इसको पकाने में। गुलाब जामुन बच्चों को बहुत पसंद है और हम लोग तो आए दिन बनाते रहते हैं। अब खोए का रसगुल्ला घर में बनाया हुआ खोया है मैंने आपको दिखाया है पिछली वीडियो में, होली के समय मैंने बनाया था, उसी खोए से मैं रसगुल्ला को बनाने जा रही हूँ। लगभग चीनी हमारी घुल चुकी है, इसको उबाल आना है। अब मैं फ्लेम को थोड़ा कम करूँगी और इसको पकने दूँगी। 5 मिनट मैं इसको पका लूँ तो आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मेरी चाशनी बिल्कुल पक के तैयार हो गई है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ चम्मच लेकर के। ये देखिए, ये हल्का सा चिपचिपा होने लगा है। अब बिल्कुल चाशनी को हम गाढ़ा नहीं होने देंगे और ना एक तार की चाशनी। ये देखिए, ये हल्का सा
चिपचिप होना चाहिए। अब इसको मैं साइड में रखती हूँ, गैस ऑफ कर देती हूँ। अब इसके बाद मैं अपनी कढ़ाई को गरम करती हूँ। ये 10 मिनट हो गया है, अब मैं इसको अच्छी तरीके से सेट हो गया है, मैं इसको इस तरह से गूंथ लूँगी हथेली के माध्यम से। इससे क्या होता है, हमारा डो बिल्कुल अच्छे से देखिए आटे की तरह मुलायम हो गया है। अब हम इसको छोटे छोटे बॉल की तरह बना के रखेंगे। आपका छोटा बड़ा साइज जो आपको इच्छा हो उस तरह से बनाइए। ये देखिए, आप कोई भी साइज बनाइए और इसी तरह बिल्कुल चिकना और गोल डो बना के बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये देखिए, आपको सूजी नहीं डालना है तो ऑप्शनल है, आप सूजी स्किप कर दीजिए। और मैदे को तो बाइंडिंग के लिए ज़रूरी होता है, खोया तो अपने आप में है ही है। बहुत अच्छा, देखिए कितना अच्छा सब डो बन गया है मेरा। हाँ देखिए, मेरा आँच ये गर्म हो गया है। अब मैं गोली डाल रही हूँ और सिम कर दूँगी आँच को, क्योंकि इसको मुझे धीमा करना पड़ता है और धीमी आँच में इसको चलाना है। साइड से आप चलाते रहिए जिससे ये घूमता रहे। सही है। ये देखिए बढ़िया ये घूम रहा है। ये देखिए बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने लगा। अब मैं दूसरा बॉल डालूँगी ये, और आँच को सेम रखूँगी। और अब मैं तीसरा भी डालूँगी। ये देखिए, इसी तरह मैं घुमाते हुए बॉल को डालती रहूँगी और मैं हल्के हाथों से इसको निकाल लूँगी और तेल को साइड में घुमाती रहूँगी। ये इसी तरह इसको घुमाने से ये सब घूमते रहेंगे अच्छी तरीके से। अब मैं फिर डालती हूँ एक गोले को। घूम जाते हैं अपने आप से और धीमी आंच में इन्हें पकने देना है। ये इसी तरह इन्हें आराम से निकालना है। फिर मैं डालती हूँ एक एक गोले को और मैं घुमाती रहूँगी और इसी तरह इसे भी निकालूंगी धीमी आंच में। जिससे हमारे चाशनी में हम इसको डालते रहेंगे। दो और रह गए हैं,
फिर इसको चाशनी में डाल के दिखाती हूँ। देखिए मैं अब इसको चाशनी में धीरे से सबको डाल दूँगी, और गुनगुना चाशनी रहता है तो उसमें हम धीरे से, जिससे कि 3 से 4 घंटे लगता है हमें शुगर सिरप में इसको सोखने के लिए। और इसका आँच मैं अब बंद कर दूँगी क्योंकि बहुत तेज़ आँच हो गया है। देखिए 100 ग्राम में मेरे 10 रसगुल्ले बन गए हैं। आप लोग भी इसी तरह ट्राई करिए और फिर बताइए कि आप लोगों को ये रसगुल्ले खोए के कैसे लग रहे हैं। मैं धीमे धीमे आँच में ही इसको पकाते हैं। बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गया है और अब मैं सबको निकाल ले रही हूँ। अब मैं शुगर सिरप में इसको डाल दूँगी। बस अब इसको 3 से 4 घंटे के लिए मैं इसमें छोड़ दूँगी, जिससे ये मेरा शुगर सिरप अच्छे से पी सके। तो ये अपने आप नीचे बैठने लगे, मैं ढक देती हूँ, फिर बाद में दिखाती हूँ आपको। देखिए ये हमारा रसगुल्ला बिल्कुल 3 से 4 घंटे रखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने 2 घंटे ही रखे हैं और बिल्कुल मुलायम सॉफ्ट रसगुल्ला हमारा बनकर तैयार हो गया है। आप लोग भी इसी तरह रसगुल्ला को बनाइए और अपने घर का बना हुआ खोए के साथ में इसको बनाइए और इसी तरह आप लोग मिलकर खाइए। और विजय इलाहाबादी को कमेंट करिए कि आपको रसगुल्ला कैसा लगा। और प्लीज़ आप हमारे अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।